नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्रीहट्टा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 4 मई 2022 की। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो है आपके 2022 के पेपर हो रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत पहला पेपर जो आपका हुआ है उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित वाला जो सब्जेक्ट है आज हम देखेंगे हमारा सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला बहुविकल्पी है पूछा गया था, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो यहाँ पर 15 बहुविकल्पी पूछे गए हैं, पूरे के पूरे 15 बहुविकल्पी जो है आपके मात्र एक वीडियो से ही पूछे गए हैं, और वो वीडियो हमने आपको कराया था एक साल पहले। ये आप देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर जो है में 100 बहुविकल्पी हमने पार्ट दो पार्ट में कराए थे। ये देख रहे हैं बालाजी स्टेटा 74,000 व्यूज एक साल पहले, ये और आपका दूसरा पार्ट, ये इन्हीं दोनों पार्ट से ही यानी कि टोटल 100 बहुविकल्पी से ही सारे के सारे प्रश्न आपके आए हैं। अगर आपने देखा होगा ये वीडियो, मैंने आपसे पहले कहा है कि कोर्स हम सारी चीजें करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपके पहले के बैचेस के लिए हम सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप देख के गए होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, तो नियोजन करना भी आता है, व्यवस्था करना भी आता है, प्रशासन भी इसमें आता है। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है विद्यालय जो है उसका बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो क्या होती है। मैं सभी के साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा लिया हूँ ताकि आपको दिखाता भी रहूँ कि जो ये 100 प्रश्न हमने कराए थे उसमें कौन से नंबर का प्रश्न जो है आपके में पूछा गया। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है आंसर देखिए बा आपका सही, यानी कि पुस्तकालय होती है। 2019 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो आंसर आपका पुस्तकालय जो है वो सही होगा, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। तीसरा प्रश्न पूछा गया था इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये किसका कथन है। चार ऑप्शन दे रखे थे, बात करते हैं आंसर की। तो ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे 100 प्रश्न जो कराए गए थे उसमें था, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये किसका कथन है। तो बा आंसर सही है, एच जी वेल्स आपका जो है बिल्कुल सही होगा, यानी आंसर यहाँ पर एच जी वेल्स आपका सही होगा। अच्छा एक चीज आप नोटिस करेंगे क्या कि ऑप्शन के जो क्रम है वो तक नहीं बदले हैं, कबीर गारफोर्थ देखिए सब सारी चीजें आपके एकदम मैच कर रही, तो आंसर एच जी वेल्स हो जाएगा। चौथा प्रश्न था कि मीना मंच जो है उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, इस प्रश्न को देखेंगे। ये आपका 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया था जो हमने 100 प्रश्न कराए थे उसमें, बा वाला आंसर सही है, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा का विकास, ये मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य आपका होगा। यहाँ पर आंसर उपयुक्त सभी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला बालिकाओं की शिक्षा का विकास जो है वो, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि भारत की पहली मनोविज्ञान शाला जो है वो कहाँ स्थित है, चेन्नई, प्रयागराज, लखनऊ या नई दिल्ली। तो ये जो है आपका 34 नंबर का जो प्रश्न हमने कराया था उसमें आया था भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला, आंसर देखिए बात सही है, इलाहाबाद आपका जो है वो सही होगा। भारत की पहली मनोविज्ञान शाला जो है आपकी प्रयागराज, आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। छठा प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जो है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा या नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये 38 नंबर का जो हमने 100 प्रश्न कराया था उसमें 38 नंबर पर ये क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू जो है वो आपका नई दिल्ली में जो है वो स्थित है, द वाला नई दिल्ली आपका ऑप्शन सही होगा, तो आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला नई दिल्ली जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है, ये आपका प्रश्न जो हमने कराए थे 100 प्रश्न उसमें 42 नंबर का था समस्या समाधान का प्रमुख अंग, और ये आपका प्रीवियस ईयर 2016 में भी पूछा जा चुका है, और इसका आंसर सही आपका होगा बा, यानी कि निर्णयन प्रक्रिया आपका सही होगा, और आंसर यहाँ पर निर्णयन प्रक्रिया 2 नंबर पर दे रखा था, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न पूछा गया था वित्तीय प्रबंधन के साधन जो है वो कौन से हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने कराया था हमने 100 प्रश्नों में वो 16 नंबर पर ये क्वेश्चन कराया था वित्तीय प्रबंधन के साधन, तो इसका द आंसर सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है आपका सही होगा, यानी इसका आंसर विद्यालय अनुदान भी होगा, टीएलएम ग्रांट भी होगा, समुदाय से प्राप्त धन भी होगा, आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो सही होगा, ये टीएलएम ग्रांट जो है वो लिखा हुआ है, उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा। नवा प्रश्न पूछा गया था कि कल के विश्व को जो है वो कौन चलाता है, तो इस प्रश्न को हमने आपको 100 प्रश्न जो कराए थे उसमें 11 नंबर में कराया था, कल के विश्व को कौन चलाता है, तो आंसर इसका आ वाला सही होगा, यानी कि शिक्षक जो है वो चलाता है, आ वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन शिक्षक जो है वो कल के विश्व को जो है वो चलाता है। 10वां प्रश्न पूछा गया था SCERT की स्थापना जो है वो कब की गई थी, SCERT आपका राज्य स्तर पर होता है, और इस प्रश्न को भी हमने आपको कराया था 100 प्रश्नों में, हमने 33 नंबर पर इस प्रश्न को कराया था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसी को ही इंग्लिश में SCERT जो है वो कहते हैं, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बा, यानी कि 1980,
वन आपका जो है वो सही होगा। SCERT की स्थापना जो है 1981 में की गई थी, तो सेकंड वाला ऑप्शन 1981 जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न हमने कराया था, राज्य हिंदी संस्थान पूछा गया था आपने कि कहाँ स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज। इस प्रश्न को हमने 100 प्रश्नों में जो है वो 95 नंबर पर कराया था, जो कि 2019 के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। राज्य हिंदी संस्थान आपका बा आंसर सही है, यानी कि वाराणसी में जो है आपका स्थित है, तो बा वाला यहाँ पर सही होगा, यानी वाराणसी आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। राज्य हिंदी संस्थान आपका कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में जो है वो स्थित है। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जो है वो करते रहिएगा। 12 प्रश्न था कि समय सारणी को क्या कहा जाता है, विद्यालय की दूसरी घड़ी, पुस्तकालय, घंटा या अध्ययन सारणी। तो इस प्रश्न को हमने जो है आपको कराया था 89 नंबर पर, जो कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर में 2019 में जो है वो पूछा गया था, और इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आ, यानी कि विद्यालय की दूसरी घड़ी। तो आपका समय सारणी को क्या कहा जाता है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला, दो महिला, तीन महिला या महिलाओं का होना आवश्यक नहीं। इस प्रश्न को हमने कराया था 45 नंबर पर, जो 100 प्रश्न कराए थे उसमें, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर 2016 से पूछा गया था। इसका आंसर आ है, यानी एक महिला का होना आवश्यक है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए। तो आंसर इसका पहला यहाँ पर एक महिला का होना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण जो है वो विकसित होते हैं स्वयं के द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या सभी। तो इस प्रश्न को भी हमने आपको कराया था 63 नंबर पर, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं के द्वारा, और इसका आंसर दा सही होगा, यानी कि सभी जो है आपका सही होगा, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना। तो आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमने करा दी आपका कल जो पेपर हो, साइंस का है या मैथ का हो या फिर आपका सोशल साइंस का हो, इसी प्रकार से हमने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट की सारी चीज़ें करा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यदि ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है कि जैसे आपको साइंस के जो है वो वन लाइनर देखने हैं MCQ, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करिए बालाजी स्टडी अड्डा फोर्थ सेमेस्टर साइंस MCQ, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, ढूंढ सकते हैं। 15 नंबर और लास्ट आपका पूछा गया था, बहुविकल्पीय, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, और इस प्रश्न को भी हमने आपको कराया था। देखिए 36 नंबर पर इस प्रश्न को हमने कराया था, सा इसका आंसर सही है, यानी प्रधानमंत्री न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, और यहाँ पर आंसर आपका सेकंड नंबर प्रधानमंत्री जो है वो सही हो जाएगा। तो टोटल अभी तक के DLED के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 के 15 प्रश्न जो है आपके एक ही सिंगल, जो वीडियो हमने 100 प्रश्नों का कराया था उससे पूरे प्रश्न आपके हमने फंसा दिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सब थ्योरी है तो हम आपको डायरेक्ट प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। समुदाय का अर्थ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, ये भी हमने क्वेश्चन कराया था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम ये हमने बताया था आपको 1993 में जो है वो बना था। आप देखिएगा जाके अति लघु भी मैंने करा रखे हैं, उसी अति लघु में से क्वेश्चन आया है। समुदाय भी मैंने बताया था, समुदाय क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, कॉम मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस मतलब होता है सेवा करना। तो मतलब पूरा इसका जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है टू सर्व टुगेदर, एक साथ सेवा करना। ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो ग्राम प्रधान जो है वो होता है। ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। समय सारणी क्या होता है, मानवीय संसाधन के अंग, लॉग बुक, एक सफल शिक्षक के गुण, TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, विद्यालय प्रबंधन थ्योरी है, पर्यवेक्षण भी बताया था मैंने, राज्य ये भी मैंने आपको बताया था, राज्य परियोजना कार्यालय आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है, ये भी बताया था, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद में जो है वो स्थित है। ये सब क्वेश्चन अति लघु में हमने कराए हैं। विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्यों की संख्या, ये भी मैंने आपको बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्यों की संख्या कुल 15 जो है आपकी होती है। अब जो ये 15 सदस्य होते हैं, इसको रब करते हैं, जो ये 15 सदस्य होते हैं इसमें जो 11 सदस्य होते हैं वो विद्यालय के बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं, और जो बाकी जो शेष 4 होते हैं ये सदस्य में ग्राम पंचायत सदस्य या सहायक नर्स या ANM लेखपाल या कह सकते हैं प्रधानाध्यापक संबंधी विद्यालय, इनमें से जो है आपके होते हैं। 29 प्रश्न पूछा गया था, दो प्राकृतिक आपदा के नाम कोई भी लिख सकते थे, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा ही तो है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है,
सूचना और अभिलेख जो है उनका विद्यालय प्रबंधन में स्थान, तो थ्योरी आप लिख सकते थे। लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्यालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी का परिचय, इनके कार्यों को समझाइए, अध्यापक डायरी से अभिप्राय, बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य, विद्यालय प्रबंध में शिक्षक की भूमिका, सूचना का अर्थ, वित्तीय प्रबंधन से आस है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में NCERT जो है उसका योगदान पूछा गया है। वैसे NCERT बहुत शामिल भी किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज के कार्यों का वर्णन, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है और मात्र शिक्षक संघ के उद्देश्य। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। टोटल 15 बहुविकल्पीय और बाकी जो हमने अति लघु कराए उनमें से कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया वो भी अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जिनका भी जो है वो पेपर इंग्लिश का है फोर्थ सेमेस्टर का, उनके लिए अभी जो है हम शाम के 8 बजे उसका इंग्लिश का जो है वो मॉडल पेपर जो है आपको कराएंगे, तो आप आकर के देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।